नमस्कार दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में यूटीडी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो इसमें यूटीडी का फॉर्म भरने के लिए आपको जो वेबसाइट है rdvv.mponline.gov.in, इस साइट पर विज़िट करें आप, और उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा और उसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट UTD 2022-23, अप्लाई फॉर UTD एडमिशन फॉर्म थ्रू मेरिट एंट्रेंस। इसमें आगे जो है अप्लाई का ऑप्शन, उस पर अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरी जो डिटेल है आपको मिलेगी। सबसे पहले है UTD एडमिशन फॉर्म 2022-23 और इसमें स्कूल ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, किसमें आप लेना चाह रहे हैं, BA में है या कंप्यूटर सेंटर में है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में है। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो जिस भी कोर्स से आप करना चाह रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से, उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अगर है तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर MA, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट इंग्लिश। इसी तरह से आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें पहले, फिर उसके बाद उस कोर्स को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फिर है कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल्स एज़ पर 10+2 मार्कशीट, यानी 12वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी जानकारी यहाँ दर्ज करनी है आपको। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है ना, फुल नेम इन हिंदी, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, कैटेगरी है तो ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी में जो SC ST OBC और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें सब कैटेगरी होती है और सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर है MP डोमिसाइल, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय वार्ड, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, NRI और नन। तो सब कैटेगरी में अगर आपकी ऐसी कोई कैटेगरी आती है तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन अपग्रेडेशन, वर्कमैन, पंजीबद्ध असंगठित कर्मकार, ठीक है, तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका जिस प्रकार से है। देन नेशनैलिटी है, रिलीजन है, परमानेंट एड्रेस है और कॉन्टैक्ट डिटेल है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, इस तरह से उनको सबको फिलअप करना है और उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या लेके जाएंगे, उसमें जो भी मार्कशीट है 10वीं की, 12वीं की, कास्ट सर्टिफिकेट है ना, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब पर टिक लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्कशीट आप लेकर जाएं या आपके पास जो भी हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएं जब आपका काउंसलिंग होगा। फिर यहाँ से आपको चूज़ करना है मार्कशीट और उसके बाद फिर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी है और आपका साइन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आप कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस संबंध में आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में जो नोटिफिकेशन आया नहीं है तो लास्ट डेट क्या अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोटो और सिग्नेचर कर दीजिए तो उसका फॉर्म जो है आपका भर जाएगा
और जब भी आप फॉर्म भरें तो इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले कर रखें, ठीक है। तो एक बार आप वेबसाइट में चेक कर लें कि डेट क्या है और प्रोसेस क्या है, तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।